वेलकम बैक इन एयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। एयर ड्रॉप ऑफ इंडिया में फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड्स। मैंने कल मंडे को मैंने एक एयर ड्रॉप शेयर किया था, इसेंशियल एयर ड्रॉप 10,000, जिसमें कि ETL टोकन्स मिले थे। और ये कुछ दूसरे चैनल्स में भी इस एयर ड्रॉप के बारे में जो है आया था ये एयर ड्रॉप, जिसमें कि 10,000 ETL टोकन्स $500 के दिए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स इसे ज्वाइन किए हैं, ठीक है, लेकिन ये फेक एयर ड्रॉप है। वो कैसे पता है? क्योंकि इसका जो मुझे ईमेल आया है, इसमें अब कुछ स्टेप्स पूरा करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि इसमें इसका एक लिंक को कंप्लीट करने बोल रहा है कि इस लिंक को कंप्लीट करें और आपका जो माई इथर वैलेट है उसको वेरीफाई करने बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका माई इथर वैलेट हैकिंग आपके हैक होगा, पक्का ये हैक करेंगे, इसलिए इसके ईमेल का रिप्लाई ना दें। और याद रखें, देखिए मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला है, लास्ट नेम डाला है, अब ये इस स्टेप में मुझे अपने माई इथर वैलेट को ये इस लिंक पे क्लिक करके ऑथराइज करने बोल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये काम करते हैं तो आपका माई इथर वॉलेट पक्का हैक करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए इसको जो ईमेल आया है उसको वेरीफाई ना करें। और आगे से मैं भी केयरफुल रहूँगा। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मेरे माई इथर वॉलेट 3 बार हैक हुए हैं। फ्रेंड्स मेरे जो माई इथर वॉलेट है वो 3 बार हैक हुए हैं, और उसके लिए आप परचेस्ड एंटीवायरस का यूज करें, वो आपको वो अच्छा वर्क करता है। जो फ्री के एंटीवायरस होते हैं फ्रेंड्स वो अच्छा वर्क नहीं करते हैं, उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती है। लेकिन जो कोई भी amazon.com, जैसे मैंने मैक्स सिक्योर में यूज करता हूँ, तो इसे आप अमेजन से बाय कर लें। मैं 300 से 500 रुपये लगेंगे एक साल का। फ्रेंड्स अगर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं तो आप परचेज्ड एंटीवायरस ही यूज करें, वो आपको बचाएगा। और दूसरा टिप्स ये है फ्रेंड्स कि आप अपना माई इथर वैलेट को जब कनेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, माई इथर वैलेट को कनेक्ट करते हैं, उसके ओपन करते हैं, तो फ्रेंड्स आप प्राइवेट की के बदले आप मेटामास्क से कनेक्ट करें, वो ज़्यादा सेफ होता है, उसमें आपके इथर वैलेट हैक होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो ये दोनों काम करेंगे तो आप हैक आपके माई इथर वैलेट हैक होने से बच जाएगा। और मेरे 3 बार हुए हैं, मेरे 3 बार इथेरियम किसी ने चुरा लिया था, तो मैं 3 बार बहुत घबरा गया था, लेकिन अब काफ़ी सेफ हूँ, काफ़ी रिलायबल हूँ इसमें, मुझे लगता है। और विंडो का भी पासवर्ड सेट कर ले फ्रेंड्स, विंडो का पासवर्ड सेट कर ले फ्रेंड्स। और एंटी वायरस में फ्रेंड्स फायरवॉल को ऑन रखें, क्योंकि कंप्यूटर भी हैक होते हैं। और हाँ, कंप्यूटर भी हैक होते हैं फ्रेंड्स। हाँ, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएट न्यू वॉलेट व्यू एंड सेंड मेटामास्क। हाँ फ्रेंड्स, कनेक्ट टू मेटामास्क, व्यू एंड सेंड में जाए कनेक्ट टू मेटामास्क, अपना मेटामास्क वॉलेट को खोलें और उससे खोलें आप अपने माई इथर वॉलेट को, ये ज़्यादा सेफ रहता है और आपके माई इथर वॉलेट हैक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये 2 बात हो गए, एक परचेज एंटीवायरस यूज कीजिए और अपना माई इथर वॉलेट को कनेक्ट टू मेटामास्क करके उसे ओपन करें। 2 बात हो गए, अपना प्राइवेट की किसी से भी शेयर नहीं करना है, और प्राइवेट की को यूज करके आप अपना माई इथर वॉलेट को भी नहीं खोलना है। ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा। और अपने इंटरनेट के सेटिंग्स में जाएंगे फ्रेंड्स, और वहाँ आपको कुछ अनचेक करना पड़ेगा, जैसे कि फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, उसको आपको अनचेक करना पड़ेगा। वो आपको जो इंटरनेट होता है उसके प्रॉपर्टी में जा कर के आपको मिलेगा, वो वहाँ से उसे कीजिए, फाइल और प्रिंटर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग को डिजेबल कर देना। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान रखना है ताकि आपको माई इथर वॉलेट हैक ना हो।
और ये फर्दर स्टेप से मुझे पता नहीं था कि इस तरह के ईमेल आएंगी। खैर ईमेल आएंगे तो मैंने आपको अपडेट दे दिया है, और ये स्टेप तो आप कभी पूरा ना करें। कभी भी अपना याद रखना है कि माई इथर प्राइवेट की कभी नहीं किसी से शेयर करना है और नहीं किसी साइट में देना है, जैसे इथर डेल्टा, फॉर्क डेल्टा, आईडेक्स एक्सचेंज से भी बच करके रहे, उसमें भी ट्रेड करने की कोशिश ना करें। जहाँ कहीं भी आपको प्राइवेट की मांगता है वहाँ प्राइवेट की नहीं डालना है, तब आपका माई इथर वॉलेट सेफ और सिक्योर रहेगा। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट एयर ड्रॉप में।